नमस्कार दोस्तों, क्या हम कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं या क्या हम कुत्ते को पार्ले जी बिस्किट खिला सकते हैं? तो आइए आज जानते हैं। देखिए, अगर रोटी खिलाना, अगर आप इसमें दो पहलू हैं, अगर आप किसी आवारा कुत्ते को या स्ट्रीट डॉग को रोटी खिला रहे हैं तो उसे बिल्कुल न रोके, क्योंकि वो एक पुण्य का काम है। जिसको कुछ खाना नहीं मिल रहा है उसको आप खिला रहे हैं तो उसको कुछ भी खाना मिल रहा है उसके लिए तो वरदान है। और वो जो स्ट्रीट डॉग है वो काफ़ी सालों से ह्यूमन फूड खाते खाते अपने आप को उस परिस्थिति में उसका पाचन तंत्र उसी तरह का ढल गया है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए रोटी खिलाना या पार्ले जी खिलाना बिल्कुल सही है। जो स्ट्रीट डॉग है वे लोग इसको पचा सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और उनके लिए ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। और इसके तो काफ़ी सारे आजकल बहुत तरह के पहलू देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है कि अगर कुत्ते को रोटी या खाना खिलाई जाए तो वो उनका संकट दूर होता है। अब पता नहीं ये कितने कितना सच है, लेकिन काफ़ी सारे इसी विश्वास पे कुत्ते को या किसी अन्य पशुओं को, गाय को खाना खिलाते हैं। तो ये करते रहें, ये अच्छी बात है, और उन्हें खाना खिलाते रहें, इस तरह से रोटियां खिलाते रहें। और पार्ले जी भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। उन लोगों को, स्ट्रीट डॉग्स पे इसका कोई हानि का दुष्प्रभाव नहीं होता है। अब आते हैं ब्रीड डॉग के बारे में। जो डॉग्स हम लोगों के घर पे रहते हैं, घर पे या तो ब्रीड डॉग्स हैं ज़्यादातर, या नहीं तो वो मिक्स डॉग हैं, मिक्स ब्रीड के डॉग हैं। तो इन डॉग को, इनकी पाचन तंत्र, जो ब्रीड डॉग है वो तो काफ़ी सारे विदेश से हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड है, लैब्राडोर है, या माल्टीज है, या पग है, ये सब बाहर से आते हैं। तो इन सब डॉग्स की पाचन तंत्र ये रोटी खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये इन लोगों को कोई भी खाना दिया जाए वो ग्रेन फ्री होना ज़रूरी है। हम भारतीय लोग तो हालांकि ह्यूमन फूड खिलाने में विश्वास रखते हैं, जो बहुत हद तक गलत है, क्योंकि उन्हें वो फॉक्स के वंशज हैं, फॉक्स या सियार के वंशज हैं, और वो चूँकि विदेश से आए हैं, विदेशी नस्ल के हैं, तो उनका पाचन तंत्र मीट बेस्ड रहा है हमेशा से। तो उन्हें अगर मीट बेस्ड दिया जाए, ग्रेन फ्री डाइट दिया जाए, तो यही उनके लिए अच्छा है और लाभदायक भी है। तो जैसा कि आप अगर जानते भी होंगे, काफ़ी सारे जो पेट फूड हैं, कमर्शियल पेट फूड हैं, उनके पैकेट्स में लिखा रहता है ग्रेन फ्री। ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उनमें कोई ग्रेन नहीं रहता है। कंपनी क्लेम करती है कि कोई ग्रेन नहीं है, पूरा मीट बेस्ड है और पूरा प्रोटीन है उसमें। तो ब्रीड वाले जो है, नस्ल वाले डॉग हैं, उनको रोटी खिलाना या पार्ले जी खिलाना या मैरी बिस्कुट खिलाना, ये इस तरह का तो सही नहीं होगा। क्योंकि बिस्किट्स में भी अगर देते हैं पार्ले जी बिस्किट या ब्रिटानिया बिस्किट या कुछ भी किसी तरह का भी बिस्किट देते हैं, तो उसमें नमक और चीनी तो अवश्य होंगी, तो नमक चीनी उनके लिए हानिकारक है। हाँ, एक या दो अगर देना चाहें दो दे सकते हैं, वो भी यदाकदा, हमेशा नहीं। अब तो डॉग्स के लिए भी काफ़ी सारे डॉग बिस्किट भी आ गए हैं। इवन हिमालय का एक डॉग बिस्किट है, फिर ड्रूज का है, तो कॉम्बो बिस्किट है, इस तरह का आप बिस्किट दे सकते हैं, जो सब कि नहीं जो डॉग्स के लिए उपयुक्त हैं, उनमें नमक या चीनी नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ब्रीड वाले डॉग को रोटी या पार्ले जी बिस्किट या मैरी बिस्किट, इस तरह का बिस्किट ना दें।